जजपा का भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद वह डिप्टी सीएम जजपा के खाते में जाने के बाद कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट कर मनाए खुशी, ढोल बजाकर खूब नाचे कार्यकर्ता। दुष्यंत के फैसले को बताया दूरगामी फैसला। कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह मुल्तानी ने विरोध करने वाले जेजेपी कार्यकर्ताओं को बताया कांग्रेस और इनेलो के कार्यकर्ता। क्या आयोजन किया? आज जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं और जो दुष्यंत चौटाला जी ने, सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है कि सरकार में हिस्सेदारी होगी, उस खुशी में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी है हर कार्यकर्ता के दिल में कि हम प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हमने इस हिस्सेदारी की है और आने वाले समय में हम प्रदेश हित में कार्य करके प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें। सर, बीजेपी के नेताओं को गालियां देकर वोटें मांगी गई, उसके बाद क्या लगता है आपको, यहाँ भी 1340 करोड़ का शोर मचा था, मंच साझा कर पाएंगे उन लोगों के साथ? देखिए, जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ बात करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये समझौता हुआ है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।